आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जा चुका है जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और दिदियर कोलोस। इन तीनों को ये नोबेल प्राइज मिला है। हमारी धरती को अच्छे से समझने के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज, धरती नहीं बेसिकली यूनिवर्स को समझने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए इन तीनों का जो योगदान है वो अतुलनीय है। नोबेल प्राइज की बात करूं दोस्तों तो आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है। 1901 में पहली बार इसको दिया गया और इकोनॉमिक्स बाद में जोड़ा गया। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इसको दिया जाता है और सबसे बड़ा प्राइज होता है। प्राइज मनी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नोबेल प्राइज की प्राइज मनी कितनी होती है, प्लस कौन सी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इनमें एक फिजिक्स है, कल एक फील्ड के लिए दिया गया, जो भी जिसकी जिसका हमने रिव्यू किया वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में, जेम्स पीबल्स। ठीक है, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जेम्स पीबल्स को फिजिकल कॉस्मोलॉजी के लिए ये नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब जो प्राइज बनी है 50% इनको जाएगी, अकेले इनको। बाकी का 50% इन दोनों को जाएगी, यानी कि इनको 25% मिलेगा और इनको 25% मिलेगा। माइकल मेयर को 25%, डिडियर को 25%। जेम्स पीबल का फिजिकल कॉस्मोलॉजी पे जो काम है, ठीक है, बेसिकली इन्होंने रेडिएशन को समझाया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो रेडिएशन होती हैं, और जिसकी वजह से यह समझाया कि भैया देख लो, हम धरती को, हम पूरे ब्रह्मांड को इन रेडिएशंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। हालांकि रेडिएशंस के थ्रू ही समझा जाता है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद माइकल मेयर और डिडियर कोलोस का एक अलग काम है। इन्होंने एक्जो प्लैनेट को डिस्कवर किया। एक्जो प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, उसके बाहर के प्लैनेट्स होते हैं, फॉरेन प्लैनेट्स होते हैं, उनको एक्जो प्लैनेट्स बोला जाता है। इन्होंने पहला एक्जो प्लैनेट डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद ढेर सारे एक्जो प्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं। 1994 में ये काम हुआ था। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। बेसिकली इन तीनों को नोबेल प्राइज इसीलिए मिला है कि हमारे ब्रह्मांड को और जो यूनिवर्स का एवोल्यूशन हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि भैया बिग बैंग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज में से एक जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी, जहां से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, गैलेक्सी का जन्म हुआ, और ये एक्सपैंड कर रही है। गैलेक्सी जो है ना वो एक्सपैंड कर रही है, हर चीज मूव कर रही है भैया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने यही बोला था। तो उसको समझने के लिए इन तीनों का योगदान बहुत बड़ा है, इसीलिए इन तीनों के कामों को सराहा गया है। ठीक है ना, ओके, प्राइज मनी तो यहां पे लिखा ही हुआ है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। बाकी जो मैंने दूसरा सवाल पूछा है, आप उसका जरूर आंसर दीजिएगा कि नोबेल प्राइज कौन कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है। एक तो फिजिक्स है, बाकी कौन सी, ठीक है, की बात करें तो थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम जेम्स पीबल्स के काम को समझते हैं। जेम्स पीबल्स जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है, बहुत ही सरप्राइज हो गए थे। 55 साल से भैया काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और तब से लगे हुए, और फाइनली उनको नोबेल प्राइज मिला। तो जेम्स पीबल्स की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम माइकल मेयर और दिदियर कोलोस की बात करेंगे। तो जेम्स पीबल्स ने फिजिकल कॉस्मोलॉजी के लिए काम किया है। फिजिकल कॉस्मोलॉजी क्या भैया, यूनिवर्स को समझने की स्टडी होती है। वो यूनिवर्स को कैसे समझते हैं दोस्तों, यूनिवर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए 13.5 अरब साल पहले, ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 14 अरब साल आप मान सकते हैं, नहीं, फेल टू बी प्रिसाइज, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, बिग बैंग होता है। ठीक है, हॉट कंडेंस्ड मैटर एक पॉइंट पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होता है, सिंगुलैरिटी बोला जाता है। बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूं, कुछ भी हाई, कोई भी टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, बिग बैंग हुआ यानी कि अनस्टेबिलिटी भरी फोर्सेस में, और एकदम से फटा, ठीक है, भयंकर धमाका हुआ। ये जो मैटर था, ये एक मतलब इतना ज्यादा मैटर, आज जो हम पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, एक छोटे से पॉइंट पे था। एक ना एक दिन तो इसको फटना ही था। अनस्टेबल हुई फोर्सेस, ये फटा, और उसके बाद तारे बने। ठीक है, वैसे सबसे पहले तो एटम बना, एटम से मैटर बना, मैटर से प्लैनेट्स बने, फिर स्टार्स बने, फिर गैलेक्सी बनी, क्लस्टर्स बने, सुपर क्लस्टर्स बने, गैलेक्सियों का क्लस्टर्स बने,
तो ये सब कुछ बनना हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.5 अरब साल पहले शुरू हो गई। हालांकि 4 अरब साल पहले टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो जब शुरू में ये सब कुछ हुआ तो मैटर जो था वो बहुत ही गर्म था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये ठंडा हुआ, और ठंडे होने के बाद ये जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो शुरू हुई। प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स। तो भैया पहले तो ये हमको मालूम नहीं था कि ये सब है, समझ गए ना, पहले तो हमको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन यहां पे कॉपर निकस आए, ठीक है। अगर हम फिजिक्स का डेवलपमेंट देखें दोस्तों तो बड़ा ही उसमें भी काफी ड्रामे हुए हैं। सबसे पहले तो भैया टोलमी के मॉडल को फॉलो किया जाता था, ये आपको पता ही है। टोलमी के मॉडल को, एरिस्टोटल के मॉडल को फॉलो किया जाता था, फिर कॉपर निकस ने उसको सही किया, ठीक है। कॉपर निकस पहले थे जिन्होंने ये बोला, पहले ये माना जाता था, जो हम पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स को पहले समझा क्या जाता था, ठीक है, ये जो प्लैनेट्स उनको भगवान समझा जाता था। और पहले ये माना जाता था कि धरती के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, लेकिन कॉपर निकस ने बोला कि नहीं, सूरज केंद्र है, सन सेंटर है, और सन के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। फिर केपलर आए, केपलर ने कॉपर निकस को ठीक किया। ये सब मैंने कवर किया हुआ है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन का आना और एडविन हबल का आना, हबल टेलीस्कोप जब बनाया। हालांकि टेलीस्कोप जब बना गैलीलियो गैलीली, तभी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई थी, इन्वेंशन हो गया था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन को इसलिए इतना महान बोला जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो सारे ब्रांच, जितनी भी फिजिक्स की ब्रांच है, उन सब में हाथ आजमाया इन्वेंशन की। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दे दी जिससे हम वक्त के पीछे जा सकते थे, क्योंकि जब यहां पे देखा गया साइंटिस्टों ने टेलीस्कोप से, तो भैया यहां पे प्लैनेट्स मिल रहे हैं, फिर स्टार्स मिल रहे हैं, फिर गैलेक्सी मिल रही है, फिर क्लस्टर्स मिल रहे हैं, फिर सुपर क्लस्टर्स मिल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तो बिगिनिंग रही होगी ना, ये सब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से शुरू हुआ होगा। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था जब इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन जब दे दी यहां से वक्त के पीछे जाके। अब देखिए इसमें मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, रिलेटिविटी मतलब लाइट की स्पीड को हम कंसिडर करते हैं, अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² होता है। लेकिन वक्त के पीछे जाके हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिनेशन को और हमारे ब्रह्मांड को कैलकुलेट किया, यहां से कंसेप्ट आया। अब यहां पे जेम्स पीबल्स का क्या काम है? जेम्स पीबल का काम दोस्तों कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इस पे इन्होंने काम किया, ठीक है ना, फिजिकल कॉस्मोलॉजी को समझाया। देखिए दोस्तों ऐसा है ना कि अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बात करें, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं लगातार मैटर से एमिट होती हैं, ठीक है ना, अगर हम स्पेस की बात करें, ये चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है। स्टार्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं, कोई इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मानना था कि भैया ये जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशन से हम बहुत अच्छे से और अच्छे से डार्क मैटर और जो विजिबल यूनिवर्स है उसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 80 से 90% डार्क मैटर है यूनिवर्स में, ठीक है। डार्क मैटर क्या है? जो दिखता नहीं है, हमको नहीं पता अभी तक, डार्क मैटर को साइंटिस्ट खोज नहीं पाए हैं। लेकिन ये जेम्स पेबल्स ने जो डिस्कवरी दी उससे हम उससे ये एक बेसिस हो सकता है, ठीक है ना, कि हम डार्क मैटर को समझ पाए। हालांकि ये बहुत पहले ही इन्होंने कर दी थी, ऐसा नहीं अभी की नहीं है, बहुत पहले का। तो ये हम देख रहे हैं दोस्तों कि विजिबल यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं वो विजिबल यूनिवर्स है, लेकिन 80 से 90% डार्क मैटर है, वो हमको नहीं पता, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, अभी उस पर शोध चल रहा है, सब रिसर्च कर रहे हैं। तो जेम्स पीबल्स की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने बोला कि यूनिवर्स में ये जो मैटर हम देख रहे हैं, ठीक है, अब 4 लाख साल पहले की बात है, 4 अरब साल पहले की बात है, जब ये मैटर जो है वो एक साथ आना, क्लंप करना शुरू हुआ, ठीक है, और तब सब कुछ स्टार बनने लगे, तो वहां पे फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस हुई होंगी, ठीक है। मतलब जैसे आप ठीक वैसे ही कर सकते हैं कि जब आप वैसे ही सोच सकते हैं कि जब आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं तो उससे भी तो फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती है ना, ठीक है ना, उससे भी वेव निकलती है। तो डेफिनेटली जब ये मैटर बने होंगे, ठीक है, जब ये सब कुछ बना होगा तो यहां पे फ्लक्चुएशंस हुई होंगी,
हालांकि इस फ्लक्चुएशन को इसी कोई कॉस्मिक माइक्रो माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोला जाता है, और ये बहुत ही कम इंटेंसिटी की होती है, इनको पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर इनको पकड़ लिया तो हम बहुत कुछ यूनिवर्स के बारे में बता सकते हैं। तो इन फ्लक्चुएशंस हुई होंगी, डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस हुई होंगी, इसी को स्टडी किया जेम्स पीबल्स ने, समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों कैसे स्टडी किया, देखिए दोस्तों होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, डेफिनेटली जो लाइट होती है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो भैया इनमें होते हैं फोटॉन्स, फोटॉन्स होते हैं। अब अगर 13.5 अरब साल पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ, 4 लाख साल पहले, 4 अरब साल पहले सब कुछ बनना शुरू हुआ, तो यानी कि वो फोटॉन्स अभी भी होंगे, मतलब वो फोटॉन्स की वेवलेंथ जो है, यानी कि वो उनसे रिलेटेड जो भी है, जितने भी फोटॉन्स वो अभी भी प्रोपगेट कर रहे होंगे, ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं। और उन्हीं फोटॉन्स के प्रोपोगेशन को हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वेवलेंथ होती है, ये प्लैंक्स ने बताया था। तो यानी कि उन फोटॉन्स का प्रोपोगेशन अभी भी होगा, और उन्हीं फोटॉन के प्रोपोगेशन को हम पकड़ के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को समझते हैं, जिसको हम कंसिडरेशन में लेके अपने यूनिवर्स को समझते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो इस तरीके का है। तो यूनिवर्स के कई राज इससे खुल जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये इनका पूरा का पूरा काम था। 1964 में सीएमबी को डिस्कवर किया गया था, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, सीएमबी जो मैंने आपको बताया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसको डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। और उसके बाद फिर जेम्स पीबल्स ने इस पे अपना काम शुरू किया, और फिर इन्होंने इन फ्लक्चुएशंस को पकड़ के अपनी स्टडी पब्लिश की, और उसके बाद मैथमेटिकली बहुत जबरदस्त इसमें मैथ्स इन्वॉल्व थी, और फिर रिजल्ट पब्लिश किए। तो ये कमाल हो गया दोस्तों। तो ये जेम्स पीबल्स का काम था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मैटर को समझ सकते हैं, हम गैलेक्सीज को समझ सकते हैं, हम अपने यूनिवर्स को समझ सकते हैं, समझ गए। दूसरी ओर माइकल मेयर और दिदियर कोलास का क्या काम था, देखिए दोस्तों इन्होंने एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया। एक्सोप्लैनेट क्या, जो कि हमारे धरती के बाहर के प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। इनके जो प्लैनेट का नाम था भैया, उसका नाम है 51 पेगासी, और ये जो इन्होंने इस प्लैनेट को 1994 में डिस्कवर किया, तब से लेकर अभी तक इसी काम को बेस बना के अब तक 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। लेकिन इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो स्टार है वो बिल्कुल सूरज की तरह है, सन भी एक स्टार है ना, यानी कि एक दूसरी कॉन्स्टलेशन में, एक दूसरी गैलेक्सी में हमको एक ऐसा तारा मिला है जिसके इर्द गिर्द एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, जिसको हमने बोला है 51 पेगासी, जो कि इन दोनों ने डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इस प्लैनेट की खासियत ये है कि जिस तारे के ये चक्कर लगा रहा है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है, तो यानी कि इस प्लैनेट पे तो लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इसके बाद बहुत सारे एक्सोप्लैनेट और भी डिस्कवर किए गए, समझ गए ना। और 2017 में 51 पेगासी पे वाटर के ट्रेसेस भी फाउंड हुए हैं, और जहां पे पानी होगा वहां पे लाइफ होगी ही होगी। जुपिटर से ये दुगना बड़ा है, हालांकि जुपिटर लाइक प्लैनेट्स इनको बोला जाता है, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है। और उस तारे का चक्कर ये 4 दिन में कंप्लीट करता है, समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये 50 लाइट ईयर्स अवे है। अब आप बोलेंगे सर ये प्लैनेट से डिस्कवर हो रहे हैं, इसका क्या मतलब। देखिए दोस्तों ऐसा है ना कि ये जो जितने भी प्लैनेट्स डिस्कवर हो रहा है, इसको हमको पता चल रहा है, ठीक है, हमको अपने ब्रह्मांड के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। जेम्स पीबल्स ने तो ये प्रूफ कर ही दिया कि यूनिवर्स खाली एक्सपैंड नहीं कर रहा है बल्कि एक्सेलरेट भी कर रहा है। लेकिन मेयर और कोलोज ने ये प्रूफ किया है कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स और भी हैं, और धरती के जैसे प्लैनेट्स हैं, समझ रहे हैं ना। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और विश्वास करिए जब इन पर रिसर्च होगी और जब रिजल्ट सामने आएंगे तो डेफिनेटली वो चौंकाने वाले होंगे। बहुत कुछ हमको अपने यूनिवर्स, अपने ब्रह्मांड के बारे में पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा एक परिवार है, ब्रह्मांड तो पूरा परिवार है, और इसमें हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, मिल्की वे की पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा है जो पड़ोसी की गैलेक्सी है, लाखों लाखों गैलेक्सीज और हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, ठीक है, अरबों गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में कितने स्टार्स होंगे, तो
कितने प्लैनेट्स होंगे, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो लाइफ होगी ही होगी। और ये जो एक्सोप्लैनेट है, ये पहला जो पेगासी है, 51 पेगासी, ये पहला एक्सोप्लैनेट है जो डिस्कवर किया गया, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इस चीज के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हम और ज्यादा अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।